examples of factorization method and finding the square root. In today's video, we are going to see some other methods and examples of different types. So let's start it. Find the smallest square number which is divisible by each of the numbers 6, 9 and 15. अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि ये जो numbers हैं 6, 9 and 15 इसको लेना है और इसको लेके एक smallest square number find करना है जो ये तीनों के तीनों जो number हैं उससे divisible हो, उससे divided हो. तो वो हम लोग कैसे find करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले ये जो 6, 9 and 15 है उसका हम लोग क्या करते हैं? LCM लेते हैं. LCM मतलब lowest common multiple. तो हम लोग क्या करते हैं? 6, 9 and 15 तीनों को साथ में LCM निकालते हैं. तो इसका अगर हम लोग least common multiple अगर हम लोग निकालते हैं, so ये जो 6 जो है वो 2 से divide होगा, so 3 2s are 6, 9 को हम लोग 2 से divide नहीं कर सकते, so 9 हम लोग ऐसे कैसे रखेंगे? फिर 15 जो है उसको भी हम लोग 2 से divide नहीं कर सकते, तो 15 का हम लोग 15 ही लिखे. फिर next जो है कोई भी number है तो वो 2 से divide नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे? अब 3 लेंगे, so 3 लेंगे तो 3 ones are 3, तो ये हो गया है, यहाँ पे तो 1 हो गया. फिर 9, so 3 threes are 9 and 5 threes are 15, तो ये जो है वो हम लोगों के पास है. फिर again 3, so 1 is here, 1 is here and 5 is staying same because 5 cannot be divided by 3. अब हम लोग division करते हैं 5 से, so 1, 1 and 1. I hope आप लोगों को LCM find करना आता होगा. अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को LCM find करना नहीं आ रहा है, तो मैं आपको personally ये जो LCM है उसका एक separate video बना के उसको आप लोगों को भेजूंगी ताकि आप लोगों को LCM कैसे find करना है वो आप लोगों को पता चले. यहाँ पे मैंने directly LCM निकाला, तो हम लोग जो normal method है उसमें हम लोग जानते हैं कि LCM कैसे निकाला जा सकता है. So 2 into 3 into 3 into 5. अगर हम लोग ये जो सारे के सारे हैं उसका मल्टीप्लिकेशन करें, so 9, 2 3 are 6, 6 6 multiply 3 मतलब 6 3 are 18, 18 multiply 5 the answer is 19. So ये जो नंबर है 6, 9 and 15 इसका अगर हम लोगों को जो LCM निकाला तो वो हुआ 90. अब ये LCM हम लोगों ने क्यों निकाला? क्योंकि हम लोगों को वो नंबर फाइंड करना है जो ये तीनों नंबर से उससे डिविजिबल हो, उससे हम लोग उसको डिवाइड कर सके. तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ इसका LCM निकाला तो वो 90 हुआ. 90 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. आप लोग देख सकते हैं यहाँ 3 एंड 3 जो है वो पैर में है, लेकिन 2 एंड 5 ये जो दोनों नंबर्स हैं ये नंबर्स के पैर नहीं है. तो हम लोग क्या करते हैं? इसको पैर करते हैं. तो नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 3 इज रिमेन सेम बिकॉज इट इज इन पैर. एंड 5 को अगेन हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो सारे के सारे नंबर्स हैं वो पैर हो गए. अब पैर में हम लोगों ने क्यों किया? क्योंकि हम लोगों को स्क्वायर नंबर फाइंड करना है. 90 तो स्क्वायर नंबर नहीं है, उसको स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जैसे हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड में जो देखा था कि अगर हम लोगों के पास स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसको अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारे पास स्क्वायर नंबर हो जाता है. तो यहाँ पे हम लोगों ने पैर कर दिया, जो 2 का पैर नहीं था तो उसको एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 5 का भी पैर नहीं था तो उसको भी हम लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो हमारे पास है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. अब अगर हम लोगों ने कौन से नंबर ऐड किए तो ये वाला 5 एंड ये वाला 2. अब हमारे पास 90 तो थे नहीं और क्या क्या हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया? एक ये वाला 2 मल्टीप्लाई किया एंड एक ये वाला 5 मल्टीप्लाई किया. ये मैं सेपरेटली क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन में आसान हो. आप चाहे तो इसमें सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो लॉन्ग टास्क हो जाता है, तो इसके लिए अगर आप लोग सेपरेटली लिख दे तो इसका मल्टीप्लीकेशन जो वो इजी हो जाता है. अब हम लोग चाहते
and 5 twos. So 2 fives are 10 and 90 is here. So 90 into 10. So here we know that 90 multiplied with 10, the answer is 900. Now this 900 number we have, so it will be a square number. Why? Because this partition, this fraction, it will all be pair. Now 90 is our number, so we have got a square number. So we have to divide 7. 7 से हम लोगों को ये जो नंबर है इसको divide करना है 252 को. अब हम लोग 252 को 7 से divide करते हैं तो उसका हम लोगों के पास आंसर बचता है what 2 2's are 4, 4 3's are 12 and 12 3's are 36. तो ये हमारे पास 36. अब ये जो 36 है वो अगर
Thank you.